आज अच्छी बात ये है कि ट्रायल शुरू हो गया, लेकिन एक मैं कहूँगी कि निगेटिव पॉइंट ये भी रहा कि एक साल होने के बाद आज वो डेट है, एक साल कंप्लीट होने के बाद कि आज से ट्रायल शुरू हुआ पहली जून को। आप सोचिए कि कब तक ये चलेगा, क्योंकि वेकेशन भी हो रहे हैं, एक महीने की छुट्टियां हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इसमें जो है वो 12 जुलाई की है, 17 जुलाई है और 18 जुलाई है। लेकिन एटलीस्ट डिले ही सही, बट ट्रायल शुरू हुआ। इसमें तीन जो विटनेस है उनके आज चीफ हुए हैं, जिसमें कुसुमलता है, जिसमें कि मनीष कुमार है जो ऑटो चालक है, और इसमें डिसीज पर्सन श्रद्धा विकास बॉल करके ब्रदर जो है जयश्री, उनका भी चीफ हुआ है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर इनका क्रॉस होना है। लेकिन आज के जो स्टेटमेंट हुए हैं उससे एक होप ये बड़ी है कि हमारा जो ट्रायल है वो सही डायरेक्शन में है। जिस तरीके से श्रद्धा के साथ क्रुएलिटी की गई और जो विटनेस एग्जामिनेशन यहाँ जिनका हो रहा है, चीफ जो कर रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में बिल्कुल सही करे जो उन्होंने देखा, जो रियलिटी है, तो हमारा केस अब होप है कि जो आपदा पूना वाला है उसका कन्विक्शन 100% होगा। अभी तो बयान दर्ज कराए गए हैं, इसके अलावा और भी डॉक्टर्स के बयान हैं, और भी लोगों के बयान हैं। कोर्ट ने आज शेड्यूल बना दिया कि 12, 17 और 18 जुलाई को जब गर्मी की छुट्टियां खत्म होंगी उसके बाद इस मामले की हियरिंग आगे बढ़ेगी, तब क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा, तब पूनावाला के वकील आपके गवाहों से क्रॉस भी करेंगे। यस यस, देखिए जो ट्रायल का प्रोसीजर ये है कि चीफ का मतलब जो भी व्यक्ति मुख्य बयान, मुख्य बयान होते हैं, तो वो बयान हुए हैं इसमें। अब इसमें डिफेंस को पूरा मौका होता है कि वो कुछ उस जिसने चीफ किया है विटनेस है उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करे, कुछ सवाल पूछे, तो वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जिन तीन के आज हुए हैं उनसे पूछा जाएगा, वो पूछ सकते हैं, ये उनका अपना राइट है, नहीं भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट डेट जो हियरिंग है 17 जुलाई की, उसमें अदर 4% के भी चीफ होंगे। 18 जुलाई को भी करीब 7-8 लोगों के चीफ होने हैं। जैसे कि आपने भी कहा, इसमें डॉक्टर्स की टीम होगी, इसमें पुलिस जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, इसमें FSL की टीम होगी, ये सभी लोगों के एग्जाम इन होंगे।